नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर। और अभी बात कर रहे थे दोस्तों काउंटर्स की। तो देखो, लास्ट कुछ वीडियोस में दोस्तों इतना कॉन्फिडेंस तो शायद हमको आ गया है क्या कि किसी भी काउंटर को देख के उसका काउंटिंग सीक्वेंस जज करना। तो हमने सीखा है कि सर्किटरी कॉम्प्लेक्स जो कॉम्बिनेशन सर्किट का अरेंजमेंट है वो क्या है, साथ में कौन से फ्लिप फ्लॉप यूज किए गए हैं, दोनों को यूज करके हम नेक्स्ट सेट्स के लिए इक्वेशन लिखते हैं और टेबल फिल करके क्लॉक सीक्वेंस निकाल लेते हैं। बट अब हम दोस्तों क्या करने वाले हैं, हम अपना काउंटर डिजाइन करने वाले हैं। तो अगर हमको पता हो कि ये स्पेसिफिक काउंटिंग सीक्वेंस हमको काउंट करना है और ये स्पेसिफिक फ्लॉप यूज करने हैं तो क्या काउंटर डिजाइन कर सकते हैं कि नहीं। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों वादा करता हूं आपसे कि बहुत आसानी से आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से फ्लिप फ्लॉप के साथ और स्पेसिफिक काउंटिंग सीक्वेंस के लिए आप अपना काउंटर बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कंसेप्चुअली एक बिल्कुल नई अप्रोच हम फॉलो भी करेंगे और सीखेंगे काउंटर डिजाइनिंग कैसे करते हैं। आइए दोस्तों काउंटर डिजाइनिंग की बात स्टार्ट करते हैं। कोई भी, मैं चलिए एक सीक्वेंस ही ले लेते हैं डायरेक्ट। तो लेट मी से जीरो के बाद हमको चाहिए वन, वन के बाद हमको चाहिए टू, टू के बाद मान लीजिए हमको चाहिए थ्री, और थ्री के बाद दोबारा हमको चाहिए जीरो। एक बेसिक सी काउंटिंग सीक्वेंस है और एक सिंपल फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। मान लीजिए हमको डी फ्लिप फ्लॉप यूज करना है, एक बेसिक क्वेश्चन। अब देखिए पहला सवाल ये तो आपको एग्जाम में बताया गया होगा या क्वेश्चन में लिखा होगा कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करना है, बट कितने यूज करने ये नहीं पता। अब देखिए टोटल हमारे पास कितने क्लॉक हैं, चार, यानी कि चार कॉम्बिनेशन हमको चाहिए याद करने के लिए। और ये बड़ी बेसिक बात है, या तो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं लॉग बेस टू एन जितने भी स्टेट्स आपके पास हो, या फिर चार के लिए कितने बिट चाहिए, दो बिट चाहिए, बिकॉज यूजिंग टू बिट्स हम चार कॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं। और एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसका मतलब इस क्लॉक सीक्वेंस को काउंट करने के लिए, सीक्वेंस को समझने के लिए मुझे दो फ्लिप फ्लॉप चाहिए। दो फ्लिप फ्लॉप दो बिट स्टोर करेंगे और दो बिट से चार कॉम्बिनेशन मुझे मिलेंगे। अच्छा, पहले ही बता दिया कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम क्या करते थे कि डायग्राम हमारे पास होता था और उसको देख के हम नेक्स्ट स्टेट टेबल भरते थे। बट यहां देखिए नेक्स्ट स्टेट टेबल आपको पहले ही बता दिया गया है और इसको देख के हमको डायग्राम बनाना है। तो अगर अभी मैं इसको हटा दूं तो मान लीजिए कि डी फ्लिप फ्लॉप, तो मान लीजिए अगेन दो फ्लिप फ्लॉप हैं, एक को मान लेता हूं डी नॉट, यानी कि उसका नाम है क्यू नॉट, और एक को मान लेते हैं क्यू वन। एक रफ डायग्राम अगर मैं आपको बना दूं ताकि हम लॉजिकली उस बात को समझ सकें, तो इतना तो हमें पता लग ही गया है कि दो फ्लिप फ्लॉप हमारे पास होंगे, सिंक्रोनस मशीन है, क्लॉक लगा देता हूँ, और मान लीजिए ये इनपुट है डी नॉट और मान लीजिए ये इनपुट है डी वन। तो ये होने वाला है क्यू नॉट, क्यू नॉट बार, ये होने वाला है, माफ कीजिएगा, क्यू डी वन, और ये होना है क्यू वन और क्यू वन बार। तो ये सर्किट ऑलरेडी हमारे पास है, हमको देखना है ये काउंटर बनाने के लिए अरेंजमेंट कैसे करना है। तो क्यू नॉट क्यू वन, अगेन नेक्स्ट टेबल जैसे हम बनाते थे, फिर दोबारा क्यू नॉट क्यू वन, और ये मान लीजिए हमारी हो गई प्रेजेंट स्टेट और या पास्ट स्टेट, और ये हमारी हो गई नेक्स्ट स्टेट। तो अगेन दो बिट से चार कॉम्बिनेशन हमको मिलेंगे, 00, 01, 10 और 11। और क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में काउंट करना है, 0 से 1, 1 से 2, 3, 2 से 3 और 3 से दोबारा 0। तो देखिए नेक्स्ट स्टेट भी ऑलरेडी हमको पता है क्या। अब देखिए 00 से हमको क्या चाहिए, 1, 1 पर हमको क्या चाहिए, 2, 2 पर नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, 3, और देखिए दोस्तों 3 पर हमको क्या चाहिए, 0। तो देखिए थियोरेटिकली अगर मैं बोलूं तो प्रेजेंट स्टेट भी हमको पता है, नेक्स्ट स्टेट भी हमको पता है। अब फ्लिप फ्लॉप कौन से यूज किए गए हैं, डी फ्लिप फ्लॉप। तो ध्यान कीजिए एक बात मैंने आपसे बोली थी जब फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन हम सीख रहे थे कि फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन जो है आपको बाद में मदद करेगा काउंटर डिजाइनिंग में। कैसे मदद कर, देखिए दो इनपुट्स हमारे पास हैं, कौन कौन से दोस्तों, डी नॉट और डी वन। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ऑर्डर में लिखूं तो चलिए किसी को किधर भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हमको देखना है कि ये डी नॉट की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए कंसेप्चुअली समझिए इस बात का मतलब क्या है। पी क्यू नॉट आपको पता है प्रीवियस, क्यू नॉट आपको पता है नेक्स्ट, और डी नॉट की वैल्यू आपको पता लगानी है। ये देखिए वही एक्साइटेशन लेवल टेबल वाला कंसेप्ट है क्या, कि क्यू नॉट की वैल्यू अगर जीरो हो और जीरो से हमको वन करना हो तो डी नॉट पे क्या इनपुट देना चाहिए। सिमिलरली पी नॉट क्यू, क्यू नॉट की वैल्यू अगर वन है और वन से हमको जीरो करना है तो क्या इनपुट देना चाहिए। इसका मतलब
आपको पता है प्रेजेंट, आपको पता है नेक्स्ट। अब बजाय इसके कि मैं आपसे पूछूं इस इनपुट पे क्या आउटपुट मिलेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे इस इनपुट पे यह आउटपुट चाहिए, आप बताओ फ्लिप फ्लॉप को कैसे एक्साइट करें। जो चीज हम करते थे दोस्तों फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन में, तो बड़ी आसान बात है भाई, डी फ्लिप फ्लॉप तो इतने आसान है, आप जानते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट होता है वही आउटपुट भी होता है। तो अब जीरो पे ध्यान से देखिए कि डी नॉट को फिल करने के लिए मैं किन किन कॉलम्स को कंसीडर कर रहा हूँ, सिर्फ क्यू नॉट को, क्योंकि डी नॉट फिल कर रहा हूँ। तो जीरो पर हमको चाहिए वन, तो हमको अगर वन चाहिए तो इनपुट भी क्या रखना पड़ेगा, वन, है ना, क्योंकि एक्साइटेशन टेबल हमको पता है जो आउटपुट चाहिए वही इनपुट हमें रखना है, तो कायदे से इस कॉलम की जो जरूरत भी नहीं है हमको, बट वन से अगर जीरो चाहिए तो इनपुट होना चाहिए जीरो, जीरो पर वन चाहिए तो इनपुट होना चाहिए वन, और वन पे अगर जीरो चाहिए तो इनपुट दोबारा क्या होना चाहिए दोस्तों, जीरो। तो देखिए बहुत आसानी से हमने डी नॉट का वैल्यू फिल कर लिया। अब सिमिलरली यही काम हम करेंगे दोस्तों D1 पर, और D1 के लिए अब हम कंसीडर करने वाले हैं Q1 वाले कॉलम्स को। तो अगेन देखिए प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों कॉलम आपको पता है, जीरो पर जीरो तो हमें चाहिए जीरो, तो जीरो से ही एक्साइट करूंगा, जीरो पर वन वन से एक्साइट करूंगा, वन पर वन वन से एक्साइट करूंगा, वन पर जीरो जीरो से एक्साइट करूंगा। तो देखिए D0 और D1 दोनों के एक्साइटेशन कॉलम हमको मिल गए हैं, और ध्यान करेंगे जब प्रेजेंट और नेक्स्ट लॉजिक से हमको एक्साइटेशन वैल्यूज मिल जाते हैं तब हमको एक्सप्रेशन चाहिए होता है। तो अब मैं इग्नोर करूंगा किसको, नेक्स्ट स्टेट को, और अब इनपुट की टर्म्स में आउटपुट के लिए दोस्तों हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो वैसे तो बहुत आसान है, फिर भी मैं स्पेसिफिकली काम करूंगा। तो देखिए पहले D0 की बात करते हैं, D0 के लिए हम एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो D0 हमारे पास है, और देखिए दो इनपुट हमारे पास है, कौन कौन, Q1 एंड Q0। अब दोस्तों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कौन MSB और कौन LSB। तो मैं नंबर से चल रहा हूँ, तो मैं D0 को मान लेता हूँ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और D1 को मान लेता हूँ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो भी हायर सिग्निफिकेंट बिट है वो हमेशा ऊपर आएगा, तो ऊपर लिखूंगा D0 की बात कर रहा हूँ, सॉरी, तो ऊपर लिखूंगा, सॉरी इनपुट की बात कर रहे हैं, तो ऊपर लिखूंगा मैं Q1 विच इज प्रीवियस एंड प्रीवियस, और नीचे लिखूंगा Q0 प्रीवियस एंड प्रीवियस कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो अब आप देखिए 0001 बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है, कहां कहां पर आपको 1 मिला, तो दोस्तों हमको 1 मिला है 0 पर और हमको 1 मिला है 2 पर, 0 1 2 3, तो हमको 0 और 2 पर मिला है 1। इसका मतलब देखिए D0 का हमको क्या एक्सप्रेशन मिला, इट इज नथिंग बट Q0 प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट, है ना। बिल्कुल सेम लॉजिक दोस्तों अप्लाई करूंगा किस पर, D1 पे। तो चलिए D1 की बात करते हैं, अगेन इनपुट वेरिएबल्स जो हमारे पास हैं विच इज प्रीवियस प्रीवियस स्टेट Q0 और Q1 के, यहाँ देख लेते हैं दोस्तों कहाँ कहाँ पर हमको 1 मिला। तो D1 के केस में 1 मिला है हमको दोस्तों 1 पर और 2 पर, तो 0 1 2 एंड 3, तो 1 और 2 पे देखिए दोस्तों हमको मिला है 1, तो यहाँ कोई पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको मिलेगा Q1P, Q0P बार, यहाँ पर मिलेगा Q0, यानी कि सिंपली XOR कर रहा है। तो D1 का एक्सप्रेशन आपको मिला Q0P XOR विद what? Q1P। और देखिए दोनों का एक्सप्रेशन आपको मिल गया। अब आप इसको रियलाइज कर सकते हैं, D0 अपनी ही प्रीवियस वैल्यू के प्रेजेंट वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट करके इनपुट ले रहा है, तो आप चाहें तो Q0 कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन को ऊपर ले सकते हैं, डायरेक्टली इनपुट गया किस में, डी नॉट में, और डी वन के लिए दोस्तों एग्जॉर किया है अपनी प्रीवियस वैल्यू को और क्यू नॉट की प्रीवियस वैल्यू को। तो ये दोनों इनपुट ले लेते हैं और इन दोनों को हमने किया एग्जॉर, और एग्जॉर करा के दोस्तों हमने इनपुट कराया किस में, डी वन में। तो देखिए अब ये जो काउंटर है ना, इसको काउंटर का मैकेनिज्म फाइंड करना ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, आप क्रॉस चेक करके देखिएगा, ये काउंटर आपको वही काउंटिंग पल्स देने वाला है विच इज 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 0। जल्दी से एक बार पूरी प्रोसेस रिवाइज कराऊंगा, कोई डाउट हो तो दोबारा एक बार देखिएगा। सबसे पहले काउंटिंग सीक्वेंस आपको पता थी, काउंटिंग सीक्वेंस में चार स्टेट थे, तो मैं सीख गया मुझे दो फ्लिप फ्लॉप लगेंगे बिकॉज दो बिट से चार कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। अब प्रेजेंट स्टेट पे नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता थी, प्रीवियस और नेक्स्ट वाला कंसेप्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं काउंटर्स के अंदर। तो जीरो पर चाहिए वन, वन पे चाहिए टू, टू पे चाहिए थ्री, और थ्री पे दोबारा चाहिए जीरो। अब डी फ्लिप फ्लॉप क्वेश्चन में गिवन था, हमने चूज नहीं किया कि भाई ये चीज रियलाइज डी फ्लिप फ्लॉप से करना है। तो डी नॉट और डी वन दो फ्लिप फ्लॉप लिया, इनका एक्साइटेशन फाइंड किया। कैसे, डी नॉट की फाइंड करने के लिए मैंने Q0 को ही कंसीडर किया है प्रेजेंट और नेक्स्ट, या अगर प्रेजेंट पे अगला स्टेट आपको ये चाहिए तो बताएं D0 की वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली Q1 के लिए मैंने D1 को एक्साइट किया,
जब D0 और D1 का मेरे पास कॉलम्स आ गए जिसमें मुझे पता है कहाँ कहाँ पे 1 है, तो मैंने इनका एक्सप्रेशन फाइंड किया। देखिए एक्सप्रेशन कभी नेक्स्ट स्टेट की टर्म में फाइंड नहीं हो सकता, वो प्रेजेंट स्टेट में फाइंड होता है। तो प्रेजेंट दो ही मेरे पास है, Q0 और Q1। Q1 को ऊपर रखा है दोस्तों क्योंकि उसको मैंने माना है MSB, आप जिसको भी MSB माने उसको ऊपर रखेंगे, और Q0 को माना है NSB, उसको मैंने रखा है साइड में क्योंकि नंबरिंग मैंने वर्टिकल टू लेफ्ट टू राइट की है। ये थोड़ी सी डिस्कशन अच्छे से हम करेंगे के मैप में कि किसी को आप कैसे भी खैर कंसिडर कर सकते हैं। यहां से हमको मिला एक्सप्रेशन और उस एक्सप्रेशन को हमने उठाकर रियलाइज कर दिया है और ये हमको मिल गया काउंटर। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आया होगा। कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर तरीके से हम सीख पाएंगे कि किस तरह किसी भी काउंटर को दोस्तों आप रियलाइज कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें इस इंफॉर्मेशन को, इस वीडियो को अपने कॉलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और अगली वीडियो में आइए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं और फिर सीखेंगे अगेन कैसे कोई काउंटर हम डिजाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।